جفن المسافر ما غفا مثل حبا ووفا والى المدينة. तो बस ये दिल करता है कि YouTube छोड़ दें। बिल्ली माँ वाली गुड़िया, प्यारी वाली गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। काफ़ी दिन हो गया मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, तो आज मैंने चलो सोचा एक व्लॉग बना लें बच्चों के साथ ही। तो अभी जो है वो मुनज़्ज़ा मेरे साथ बातें कर रही थी और कह रही थी कि पापा वीडियो नहीं बनाई। ये तो मुझे रोज़ाना कहती कि पापा उधर चले हैं वीडियो बनाते हैं, लेकिन असल में बस थोड़ा सा यूट्यूब से वैसे ही जैसे दिल भर जाता है ना, इसलिए जो है अब दिल नहीं करता कि यूट्यूब पे काम करें। कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बस असल में मैंने जो प्रमोशन शुरू किया था उसमें मैंने अच्छा खासा जो है एक तरीका कार बना लिया था कि अगर मुझे अच्छी सपोर्ट मिली तो इंशाल्लाह मैं उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करूंगा। और तरीका ये होना था कि मैंने ख़ुद यानी कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते और मेरे साथ चलते तो इंशाल्लाह मैंने ख़ुद उनके पास जाकर उनके पास वीडियो बनानी थी, खाली लिंक नहीं शेयर करना था। ख़ुद उनके पास जाकर रास्ते की वीडियो बनाता, उनके पास पहुँच कर जो है उनकी प्रमोशन करते, उनकी वीडियो उनको खुद अपने चैनल पर ले आता तो उनके साथ वीडियो बनाता। तो ये मेरा प्लान था। बहरहाल चलो जो नसीब में हो। तो अब मेरा था ये कि यूट्यूब छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ देते हैं और बस हालात ऐसे हो गए हैं। एक तो मोबाइल जो है वो सही नहीं है, मोबाइल बिल्कुल हुआ और एक तो प्रोटेक्टर होता है वो टूटा हुआ है। मैंने दूसरा पैनल दिलवाया तो वो पैनल दोबारा से टूट गया, सारे स्क्रैच आ गए, तो बस दिल खट्टा सा हो गया। पता नहीं जो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो हालांकि रेगुलर हैं साथ में आते थे लेकिन अब वो भी नहीं आते, ग्रुप्स वाले हैं वो भी नहीं आते। चले खैर कोई बात नहीं, जो आएगा ठीक है, ना आए उसी मर्जी। मैंने तो अभी तक मेरे ख्याल में किसी को अनसब नहीं किया, ठीक है अब लगता है अनसब करने पर, बल्कि शायद यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दूँ। दादा कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि क्या करूँ, मैं आपकी राय मांग रहा हूँ, ठीक है? अगर आप कहेंगे तो फिर चलाएँगे, सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चलेंगे, नहीं तो जो है वो यूट्यूब चैनल छोड़। क्या कर रही हो? पापा के साथ खेल रही हो? पापा की आंखें ऐसे क्यों कर रही हो? हाई कर रही हो? आपने तो पारी करनी थी। पारियां करो मुनज़्ज़ा, कितनी पारी करती है? और इधर से भी करो और माशाल्लाह दो पाँच चार पारियां, वाह चार, ठीक। और ओए ना आँख को ऐसे नहीं कर खराब हो जाती। और मुनज़्ज़ा ठीक है? एक मुनज़्ज़ा को दिखाते हैं, ये देखे मुनज़्ज़ा माशाल्लाह ठीक है, काफ़ी बेहतर है। पहले इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अच्छा चलो ठीक है। आपकी वीडियो ये मामू देखेगा, मामू से मामू को बाय बाय करो, चाचू को बाय बाय करो, चाचू ज़हीर, चाचू फियाज, चाचू उमरदराज, उन सबको बाय बाय करो, बाय बाय करो सही वाला। और बोलो अस्सलाम वालेकुम। चाचू पास जाना? चलो चाचू अभी ईद पर आ जाएंगे, ठीक है? और चाचू के पास दूर दूर भाग गए हो?
चाचू कौन सा दूर भाग गया? दूर चाचू जहीर और चाचू फयाज भी और चाचू उमरदास भी दूर भाग गया। ठीक है, वो इतना शोर आ रहा था मशीन का, अपनी मशीन जो है वो ख़राब है और पड़ोसियों से ली है, उसका शोर बहुत है। छोटा भाई आ रहा है तो उसको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, तो अभी पेट्रोल तो बहुत महंगा है लेकिन आज वो गाड़ी लेके आ रहा है काफ़ी अर्से बाद, क्योंकि गाड़ी वहीं खड़ी कर देता है तो कंपनी पेट्रोल तो देती नहीं है, सिर्फ गाड़ी दी उन्होंने। जब घर आना होता तो पेट्रोल अपने पास से डलवाता है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल है 250 रुपये के 51 रुपये पर लीटर है, तो आज वो गाड़ी लेके आ रहा है तो इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगा। वैसे चला लेता हूँ लेकिन इतना ज़्यादा यानी कि नहीं चलाई, और जब कभी ले आता है तो ट्राई मार लेते हैं, तो आज आपको दिखाते हैं। ठीक है भाई से कहूँगा वीडियो बनाएगा मेरी, तो मैं चलता हूँ गाड़ी चलाता हूँ, अभी बस वो पहुँचने वाला है। जी वो देखें, वो मेरे पीछे वो सामने गाड़ी खड़ी है, ये जो सामने वो देख लें, अभी वहाँ खड़ी करके आया हूँ मैं, और आगे ये सामने मिट्टी का ढेर लगा हुआ है ये वाला, तो इस वजह से यहाँ नहीं, क्योंकि यहीं दरवाज़ा हमारे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी होती है। ठीक है, ये अभी यहाँ पर बाइक खड़ा हुआ है, यहाँ इसी के साथ गाड़ी खड़ी होती है, तो अभी जो है ना वो रास्ते में मिट्टी पड़ी हुई थी, किसी ने मंगवाई है मिट्टी को, काम वगैरह करवा रहा है। तो आप उम्मीद है आपको मेरी ड्राइव भी अच्छी लगी होगी और आज का व्लॉग भी। बस अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।